जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मरंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू पर बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पौधा विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान में से संबंधित क्वेश्चन को कराया था। आज हम जंतु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जीव विज्ञान में सामान्यतः दो शाखा होता है, जिसमें एक जंतु विज्ञान और एक पौधा विज्ञान। तो पौधा विज्ञान के बारे में कल बताया था मैंने, आज हम जंतु विज्ञान के बारे में पूरा आपको लगभग 1000 क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी एग्जाम में जिसमें कि जीके पूछा जाता है उसमें पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान की शाखा है ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। पेलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से। मान घाव घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। नली का विहीन ग्रंथियों के अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है एक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है
हिस्टोलॉजी विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्धा से। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मकड़ी का अध्ययन। अगला चैप्टर है प्रमुख जीव वैज्ञानिक बायो साइंटिस्ट। पहला प्रश्न है प्राकृतिक वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं मेंडल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेल्किन टॉक ने। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? स्लाइडन और स्वान। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा। सुमेलित नहीं है जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? रेबीज रोधी टीका की। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? हैंसन ने। सुमेलित की दिए। एडवर्ड जेनर टीकाकरण की खोज। वाटसन दुई कुंडली खोज। लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग। फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज। रक्त समूह का आविष्कारक है?
लैंडस्टीनर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफजी बेटिंग ने। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइमैन। अगला चैप्टर है जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। पहला प्रश्न है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियमी उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियमी उत्तक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है अस्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लेक्टेला। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है यूप्लेक्टेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है स्कूलम। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिल्स। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मेट्रीडियम। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटी हेल्थी नीज। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटी हेल्मिंथीज। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि। निम्न में से किसके अधपक के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमे थेलिज्मिथिज। एस्केसरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केसरीसिस। फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। एस्केसरीस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि यह जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पॉली करके। केचुए
कीड़ों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? स्तनधारी। लार उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रवण से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों नहीं चमकती है? टेपिटम लूसीडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनोफिलीज। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोप्लीना। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इकाई इनोडमेटा। अरस्तु का लालटेन है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है गिल्स। मछलियों के हृदय की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेंढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेंढक में वाक कोश नहीं होते हैं। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेड पॉल। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। शीतरक्तिया प्राणी है मछली मेंढक और छिपकली। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। नीलसंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। निम्नलिखित में से किस जीव में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? घड़ियाल।
सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियां? सबसे विषैला सर्प है करेत। निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? पाइथन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी मछलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। उड़न छिपकली है ड्रेको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण कीलवक। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वातिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? गुंजन पक्षी। सबदिनी किसमें वाक यंत्र है? पक्षी में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था आर्कियो स्टेपरिक्स। आर्कियो स्टेपरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप तथा पक्षियों के। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? आर्कियो स्टेपरिक्स। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाता है? अंगुलियों पर चिपकने वाले लेमिनी युक्त गद्दियाँ। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेती है शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, चार कोष्ठीय हृदय। ब्लबर क्या होता है? सघन वसा की परत। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि दुग्ध ग्रंथियां जरायुज व बाल होते हैं। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चार। केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिका किसमें होती है? अस्तनी में। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चार। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लुसिडम के कारण। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। मानव का जैविक नाम है
होमोसेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है? मोनोट्रीम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? कंटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा। स्तनपाई के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? व्हेल। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेंढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बेबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। आर्कियोस्टेपरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस। मेमथ पूर्वज है हाथी का। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुनोप्रांत नर को मार देती है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? स्तनधारी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से है? चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर। मधुमक्खी में पुंगथुम होते हैं जननक्षम नर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। कपोत दूध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा क्रीदंत। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। विलोपन की कगार पर
सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है ढोल। इनमें से बेमेल कौन है? दांत कृमि। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन। निम्नलिखित जातियों के एक्स सीटु संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्मा बैंक। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपाई में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस लघुत्तम कपि है? गिबन। इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? मिक्साइन। नेक्स्ट चैप्टर है मानव शरीर की क्रिया विज्ञान। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। शरीर में की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च की। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेती है लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग
चूषण करता है यकृत। पेप्सिन है एक एंजाइम, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पारशीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है एआर्ट्रा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लिया। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किनके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है प्लिया। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा
एंटीबॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लिया को। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक है? न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। रक्त समूह के खोज करता है लैंडस्टीनर। RH फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर व विनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? O। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? O। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरियोथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है? AB। AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? AB या B। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क के। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
कशेरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? 38 अणु। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल का। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? आम्नियाटिक द्रव। दो युग्म के संयोजन को कहते हैं निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडो उत्सर्जन का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था लुइस। एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष।
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलन विकास। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है श्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? प्राव2। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थायमस ग्रंथि। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन और रिलैक्सिन। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिभिक ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट ने। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थित होते हैं अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिकम। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आँख का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आयरिस। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कॉर्न्स। आयरिस का कार्य क्या है?
पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवा पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशोषी अंग नहीं है? डायफ्राम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण क्रिया। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है? 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है? 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। निम्नलिखित मसनों कथनों में से कौन सा एक सही है? फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उत्तराद कहा जाता है? थायराइड उपास्थि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है इनमें से कोई नहीं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि। मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला व टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस।
हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या ए बी या ओ। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मानव। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4। सर्वग्राही कौन से हृदय वर्ग का होता है? ए बी। इनमें से रक्त दाब का नियंत्रक कौन है? स्फेग्नोमैनोमीटर। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वृद्धांत्र। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवन क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्राहनी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्राव2 हार्मोन। मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी, नली। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रण और उल्टी का नियमन करता है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है वृक्क के वृक्कीय नलिका में और वृद्धांत्र में। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रोसेसिन। नेक्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करती है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है
स्टार्च का? शहद का मुख्य घटक है स्टार्च। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के द्वारा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम किलो प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर सकता है अपने कूबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक ने। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम। थायमिन है विटामिन B1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। सुक्ष्का छिपकोब का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है?
विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन डी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं और अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। लोह आवश्यक है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी बेरी। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? विटामिन डी की। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? केरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। अन्य एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60।
शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। सनशाइन विटामिन है। विटामिन डी। ईसीजी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? हाइपरटेंशन, दिल का दौरा पड़ना। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। मिनीमाता रोग का कारण है पारा। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? हीमोफीलिया। जापानी इंसेफिलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित प्रक्रम है प्रासरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के बांध्यापन। ईसीजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। केसीन दूध होता है। प्रोटीन किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? ऑर्टीथर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है। जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना।
वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उनमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? केसिन के साथ साथ कैरोटीन। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई इटाई से। काला जार का संचार किससे होता है? सितका मच्छी से। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोबुडिन AZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। सरल गलकंड यानी घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजोआइट। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? दाद। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? शर्करा की। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी टू का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमेलेसिया होता है? विटामिन डी।
बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय के रूप से दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलीज मच्छर। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। एचआईवी क्या है? विषाणु रोग। कालाजार किससे संचारित होता है? सितका मच्छी से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1986 ईस्वी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनिफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? अल्जाइमर रोग। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है नवजात बच्चों को? रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरास्मस बीमारी। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस मच्छर। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। तो यह था बायोलॉजी का लगभग 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQ जो कि यह मानव विज्ञान से संबंधित था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद। धन्यवाद।